साहेब मिरकात ने अपनी किताब शुरू ऐसे अल्फाज के साथ की, वो फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफलाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिया वादम बैनल माई वत्तीन। आओ मैं तुम्हें साहिबे मिरकात का पैगाम सुनाना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी किताब का आगाज ही ऐसे खुतबे के साथ किया। हर बंदा, हर मुसन्निफ अपनी किताब के शुरू में अल्लाह के हम्द व सना बयान करता है, लेकिन कुर्बान जाऊँ साहिबे मिरकात ने क्या कमाल का खुतबा लिखा और फरमाते हैं सारी की सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है, उस अल्लाह की ज़ात के लिए है जिसने आसमान को बुलंदियाँ बख्शी, जिस ज़ात ने, वो ज़ात की तारीफें मैं करता हूँ जिस ज़ात ने ज़मीन को चलने के लिए बिछौना बनाया, वल अर्दीना ज़मीन की बात करने के बाद साहिब मिरकात क्या कहता है। झूम कर हमारे उस्ताद ने ये खुतबा पढ़कर हमें सुनाया था, फरमाने लगे वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिया। ओ लोगो, साहिब मिरकात की बात से ये लगता है कि कुर्बान जाऊँ मैं उस हस्ती नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैं क्या अल्लाह की हर चीज़ उस पर दरूद व सलाम पढ़ती है। साहिब मिरकात कहता है वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिया, मैं उस ज़ात पर दरूद व सलाम भेजता हूँ, उस ज़ात पर अल्लाह की रहमतों का सवाल करता हूँ, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिया, जो नबी उस वक़्त भी थे, उस वक़्त भी नबी थे, उस वक़्त भी नबी थे, जिसके लिए साहिब मिरकात कहता है अला मन काना नबिया व आदम बैनल माई वत्तीन। मेरे नबी को नबुवत का ताज अल्लाह ने उस वक़्त भी पहना दिया था जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम का खमीर पानी और मट्टी के दरमियान था। आज के बड़े बड़े उलमा कह जाते हैं कि अल्लाह ने 40 साल की उम्र में नबुवत अता की, ना ना यूं कहा करें कि 40 साल की उम्र में ऐलान नबुवत किया।